सन्यास क्या है? शास्त्रों में कलयुग में विशेष करके शास्त्र में कहा गया है कि इस कलयुग में पांच चीजें मना है जो व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। अश्वमेध गवालंबम सन्यासं पलपैत्रकं देवरेण सुतोत्पत्ति कलौ पंचम विवच्छेत। तो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्लोक आता है जिसमें कहा गया है कलयुग में पांच चीजें वर्जित है। कौन सी पांच चीजें हैं? अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ करना, गवालंबम गोमेध यज्ञ करना, अर्थात ऐसा यज्ञ जिसमें अश्वमेध यानी घोड़े की बलि, अश्व की बलि दी जाए, गवालंबम गायों की बलि दी जाए, और फिर अश्वमेध गवालंबम सन्यासम, सन्यास लेना भी मना है, पलपैतृकम पितरों को मांस अर्पण करना मना है, और साथ ही साथ देवरेण सुतोत्पत्ति। अर्थात ऐसी प्रथा थी पहले कि जब मान लीजिए कि किसी की मृत्यु हो जाती थी पति की जिसके संतान नहीं हुई है, तो फिर उसके जो भाई होते थे उनसे फिर संतान उत्पन्न कराई जाती थी ताकि वंश परंपरा चलती रहे। इसका उदाहरण हम लोग महाभारत में देखते हैं, धृतराष्ट्र पांडु महाराज इन सब के पिता थे व्यासदेव जिनसे उत्पन्न हुए। लेकिन कलयुग में ये भी मना है, तो ऐसे पांच चीजें मना है और उनमें एक है संन्यास। तो एक तरफ शास्त्र कहता है कि संन्यास मना है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो शास्त्रों के अधिकारी हैं, जिन्होंने शास्त्रों को बड़ी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया, जिनको अथॉरिटी माना जाता है शास्त्रों की, शंकराचार्य उन्होंने संन्यास लिया, या मध्वाचार्य ने संन्यास लिया, रामानुजाचार्य ने संन्यास लिया, तो ऐसे महान आचार्यों ने संन्यास लिया जो शास्त्रों को बहुत अच्छे से जानते थे, तो क्या उन्होंने श्लोक नहीं पढ़ा था? और इतना ही नहीं, हमारी परंपरा में भी हम लोग देखते हैं कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने संन्यास लिया, श्रील प्रभुपाद ने संन्यास लिया, और कई सन्यासी शिष्य बनाए। तो फिर यहाँ एक तरफ कहा गया संन्यास बना है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े आचार्यों ने संन्यास लिया। तो इसको समझना चाहिए कि पहली चीज संन्यास क्यों मना है। इसका लिए प्रभुपाद समझाते हैं कि संन्यास इस कलयुग में मना है। पहला कारण है कि कई लोगों ने, खास करके इस कलयुग में, कई लोग संन्यास को केवल अपना पेट भरने का माध्यम बना लेते हैं। संन्यासी बन जाते हैं, भगवे वस्त्र धारण कर लेते हैं, लेकिन उद्देश्य केवल पेट भरना है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर ऐसे नीच जीवन के लिए संन्यास लिया जाए तो इससे अच्छा है कि ना लिया जाए कलयुग, क्योंकि लोग इस तरह से संन्यास लेंगे। या फिर और एक कारण प्रभुपाद समझाते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कि जिस तरह लोग इस कलयुग में सारे शूद्र हैं, शूद्र होने के कारण वो नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे, तो क्योंकि नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे इसीलिए अच्छा है वो संन्यास ना लें, कि केवल संन्यास लें और फिर संन्यास लेकर उसके नियमों का पालन नहीं कर पाए तो कोई लाभ नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दंड ग्रहण मात्रेण नर नारायण भवेत, कि अगर कोई संन्यास ले लेता है तो फिर वो नारायण हो जाता है, भगवान हो जाता है। ऐसे गलत धारणाओं के लिए भी संन्यास मना है, नहीं लेना चाहिए। तो फिर किस लिए संन्यास लेना चाहिए, कौन सा संन्यास मना है? तो संन्यास तीन प्रकार के होते हैं प्रभुपाद। एक होता है कर्म संन्यास, दूसरा होता है ज्ञान संन्यास, और तीसरा होता है वेद संन्यास। कर्म संन्यास अर्थात जैसे चार आश्रम हैं, चार वर्ण हैं, धीरे धीरे आप करते हुए संन्यास की ओर बढ़िए, वो मना है। तो इस कलयुग में कर्म संन्यास मना है,
लेकिन अगर प्रचार के लिए संन्यास लिया जा रहा है तो वो संन्यास की अनुमति है। अर्थात इस कलयुग में केवल भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए संन्यास की अनुमति दी गई है। या दूसरे शब्दों में कहना चाहिए कि जो वैष्णव सन्यासी होते हैं, जो भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, वो सन्यास किस लिए लेते हैं? वो सन्यास केवल दो कारणों से लेते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि वे जो अपनी भोग प्रवृत्ति उसको पूरा त्याग देते हैं, त्यागना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि केवल सन्यास लेकर भोग आदि करते हैं, और दूसरा भगवान की सेवा के लिए प्रचार। बस अगर इस उद्देश्य से लिया जाए तो ये सन्यास की अनुमति है कलयुग में भी, अन्यथा कलयुग में सन्यास मना है।